हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का सैब। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, स्पेशली होटल वालों के लिए। बहुत दिन से डिमांड थी कि सैब आप कुछ तंदूर का आइटम लेके आओ, तो आज मैं फाइनली आपके लिए लेके आ चुका हूं खीमा नान। आज मैं आपको बताऊँगा कि मैं होटल में खीमा नान कैसे बनाता हूँ और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा ताकि आप आसानी से बना सकें। ये देखिए, ये है मटन सीख कबाब का मसाला, ये हम बना के रखते हैं और सभी लोग होटल में बना के रखते हैं इसको मीजा प्लानिंग बोलते हैं। जैसे ही हमारे पास खीमा नान का ऑर्डर आता है तो हम मटन सीख कबाब का मसाला लेते हैं, इसको मसाला या मिक्सचर या खीमा बोल सकते हैं आप। इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ी सी प्याज, ये देखिए, थोड़ा फाइन चॉप जिंजर, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए, इसमें ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ है मसाला, और हल्का सा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और हरे धनिए। ये देखिए ये कितना आसान हो गया। फिर आपने इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको सीख में लगा देना है। अब मैं आपको सीख में लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज, आप अगर तंदूर में काम करते हैं तो आपका पूरा सेटिंग होना चाहिए, दा बटर पानी, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। अब ये देखिए, मैं अब ये इसको सीख में लगाऊंगा तो मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे पास रेडी है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि आपने जब भी मटन सीख बनाना है तो मोटी सरिये में लगाना है और सरिया चौरस होना चाहिए। अब हम लगाते हैं। सबसे पहले आपने पानी में हाथ डालना है, ये देखिए इस तरीके से, उसके बाद ये, और सीख में ऐसे लगा देना है। इस तरीके से आपने लगा देना है, बहुत आसान है। पता नहीं लोगों को ये मुसीबत क्यों लगता है, क्योंकि इसकी रीजन है कई लोगों का कबाब गिर जाता है। तो आपने गीला हाथ करके और अच्छी तरीके से ऐसे लगाना है, ये देखिए कभी गिर नहीं सकता, ऐसे लगा दें। और अगर आप ज़्यादा मोटा लगाते हैं ना, तब इसके गिरने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये भारी हो जाता है, इस वजह से भी गिर सकता है। कई बार हमारा मिक्सिंग अच्छे से नहीं होता है, ये भी एक रीज़न होता है गिरने का। ये देखिए ऐसे आपने लगा लेना है। अब हम इसको तंदूर में डाल देंगे। इस तरीके से आपने तंदूर में डाल देना, ये देखिए, और इसको ढक्कन लगा देना है। आपने मटन सीख कबाब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट पकाना है, उससे ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो सूख जाएगा, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आज आपको कुछ तंदूर के बारे में बताता हूँ। हमेशा होटल में 2 तंदूर रहते हैं, ये देखिए हमारे पास भी 2 तंदूर हैं। एक तंदूर में हम कम टेम्परेचर रखते हैं स्टार्टर के लिए, स्टार्टर मतलब कोई भी कबाब टिक्का, इसमें पकाते हैं। दूसरा तंदूर होता है ज़्यादा गर्म होता है, इसमें हम रोटी नान लगाते हैं। पूरी दुनिया में ये ही चलता है, ऐसे ही आपने करना है। और आपके बहुत लोग की, मेरे फैमिली मेम्बर की फरमाइश है कि सैब आप तंदूर का अंदर का मसाला बताइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन बाद आपको तंदूर के अंदर जो मसाला लगाते हैं उसकी रेसिपी मिलेगी। मैं आपको मसाला बना के और तंदूर में कैसे लगाते हैं वो दिखाऊँगा बहुत ही जल्दी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुका है, आपने इस तरीके से पका लेना है। अब मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पे निकालूंगा। निकालने से पहले, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपने सीख को ऐसे आगे से साफ करना है। साफ करने के बाद आपने ऐसे रखना है चॉपिंग बोर्ड पे, ये देखिए, और सीधा ऐसे धक्का मार देना है, ये देखिए खींच लेना है। बहुत ही बेहतरीन कबाब बन चुका है। अब इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मटन सीख कबाब निकालने के बाद आपने इसको अच्छे से चापड़ से चॉप कर लेना है। 2 चापड़ लेना है आपने, एक चापड़ आप ऐसे लगाएं, देखें बहुत ही आसानी से कट जाता है, हाथ से ना तोड़ें। जब आप इस तरीके से हल्के से इसको काट लेंगे, उसके बाद आपने इसमें डालना है फाइन चॉप प्याज, हरे धनिए, हरी मिर्च, जिंजर फाइन चॉप, थोड़ा सा नमक, और आपने इसको ऐसे चॉप कर लेना अच्छी तरीके से, ये देखिए ऐसे चॉप कर लें। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको चॉप कर लेना है, उसके बाद आपने हाथ से इसको अच्छे से मिलाना है, और प्याज, हरी मिर्च, जिंजर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं है कि अगर मैंने 2 चम्मच डाली तो आपने भी 2 चम्मच डालना है। ये देखिए ऐसे मिक्स करने के बाद आप इसको टेस्ट कर लें, और आपको लग रहा है कुछ आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं। आपने फिर ऐसे एक पेड़ा बनाना है, ये देखिए
गोला अच्छे से। जब भी आप खीमा नान या फिर कोई भी कुलचा बनाते हैं तो आपने स्टेपिंग अच्छी करनी है, तभी मज़ा आएगा। आप अगर जरा सा डालेंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। अब आपने टेबल पे मैदा डस्टिंग करना है इस तरीके से, मैदे का पेड़ा, तेल का हाथ और ऐसे दबा देना। ये देखिए ऐसे आपने दबा दिया, उसके बाद ये देखिए ये रखा और ये ऐसे दबा दिया। इस तरीके से दबाने के बाद फिर आपने हल्का सा मैदा डस्टिंग करना है और ये तेल में हाथ डुबा के ये देखिए ऐसे दबा देना है। इस तरीके से आप अच्छे से दबा लें। अब आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताता हूँ, अगर आप हाथ से नहीं मार सकते हैं तो आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है, कई लोग शर्मा जाते हैं कि यार मैं तंदूरी सेव हूँ मैं बेलन से करूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं तो नहीं करने वाला हूँ बेलन से, क्योंकि मुझे आता है। अगर आपको नहीं आता तो, और इसके ऊपर आप हल्का सा धनिया भी लगा सकते हैं, मैं लगाने वाला हूँ धनिया। कई लोग नहीं भी लगाते हैं, वो आपकी मर्जी है, हमने ज़बरदस्ती नहीं बोला कि आप लगाओ। ऐसे आप पहले अच्छे से दबा लें। इस तरीके से दबाने के बाद आपने सबसे पहले तंदूर का ढक्कन खोलना है, ये ऐसे उठाना है, ये देखिए उठाने का तरीका, और यूं मारना है ये देखिए, और जहां भी आपको नान मोटा लगे वहां से ऐसे आपने कर देना है। ये देखिए अपने आप नान बन जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कलर आ गया है, ऐसा कलर आना चाहिए। कुछ लोग को लग सकता है ये जल गया, अगर आपको ये लग रहा है कि जल गया तो आप इससे कम कलर ले लें, आपको हमने बताया नहीं कि आपने भी इतना ज़्यादा कलर लेना है। लेकिन मुझे इतना कलर पसंद है नान में, नहीं तो कहीं कहीं क्या होता है नान ऐसा लगता है कच्चा है। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया और कितनी अच्छी नान हुई है। अब मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगा तो आप बोलेंगे शेफ बहुत तारीफ़ कर देता है। अब आपने तारीफ़ करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको स्टफ़ खीमा नान कैसा लगा। अब इसको काटने के कई तरीके होते हैं, मैं तो बस बहुत आसान काम करता हूँ, ऐसे और ये इस तरीके से आपने काटना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया नान रेडी। अब इसको खाने का तरीका बता देता हूँ, हम तो इसके साथ ग्रेवी देते हैं, इसकी ग्रेवी का वीडियो मैं किसी दिन बना के आपको बताऊंगा, और आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप अपनी कंपनी में कैसे देना चाहते हैं। लेकिन ये हमेशा मटन की ग्रेवी के साथ पिकअप होता है। आज मैं आपके लिए लेके आया खीमा नान, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए